बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियर्स रूम। नाई एम इंजीनियर फैज आलम बसरा। गाइस, हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.2, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। ये हमने फैक्टर बनाने हैं इसके। आज इसमें एक नया मेथड यूज़ होगा। वैसे तो ये पहले भी डिस्कस हुआ, लेकिन आज के क्वेश्चन में ये डिटेल से डिस्कस होगा। तो ये चलते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48। सोल्यूशन लिखा, इसको एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48। इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये मेथड यूज तो किया था, लेकिन वो छोटी छोटी फिगर्स थी, इसके अंदर ये बड़ी फिगर आई है। तो इसका तरीका कार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो है वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर, ये वेरिएबल है, इसके साथ कॉन्स्टेंट कौन सा है ये इसको देखना। हमने यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिखा 1 × 48 = 48। ये जो कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही हुआ। अब हमने इसका तरीकाकार ये करना है कि 48 को हमने इस तरीके से तोड़ना है दो फैक्टर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 48 बने, और अगर ऐड करें तो 14 बने। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ये जो साइन है, ये हमें साइन बताता है कि दोनों चीज़ों को, दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है प्लस होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। दोनों फैक्टर माइनस हों तभी ये प्लस 48 आ जाएगा, अगर माइनस होंगे तभी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये साइन है, ये हमें बताता है कि दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं। ये बताता है कि दोनों के साइन प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें गाइड मिलेगी दोनों के साइन प्लस हैं, एक जैसे तो हैं। यहाँ पे ये साइन हमें बता रहा है कि दोनों के साइन एक जैसे हैं और दोनों माइनस हो सकते हैं या दोनों प्लस हो सकते हैं, और ये बताता है कि दोनों प्लस होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके फैक्टर बना लिए। ये हमें, अगर तो आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आप इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, वरना इसको लिख लिख के यहाँ पे सारे डिवाइड करके इसके फैक्टर यहाँ बनाएं। जैसे कि 48 का हमारे पास, हम जानते हैं 6 × 8 = 48 होता है, ये दोनों प्लस हो गए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और एक और इसका फैक्टर बन जाता है 12 × 4 = 48 तभी बन जाता है, 22 × 4 ये भी 48 बन जाता है। तो दो फैक्टर दोनों से 48 बन जाता है। और भी इसके फैक्टर हैं, लेकिन सारे लिखने की बजाय कोशिश करें कि क्लोज क्लोज लिखें, वरना तो सारे लिखते जाएंगे। रुकना कैसे है कि दोनों का ऐड करेंगे तो 14 बने, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 48 बने, और दोनों का ऐड करें 14 बने। तो यहाँ पे देखें, 6 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 8 + 6 = 14 होता है, और ये 12 के साथ 4 अगर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 24 के साथ 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये 14 जो है 8 + 6 के साथ 14 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको, ये वाली जो फिगर है इसको यूज़ करेंगे, ये फैक्टर्स को यूज़ करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इक्वल साइन यहाँ पे लिखा है, इसको एज इट इज लिख लिया एक्स स्क्वेयर, और ये 14 को हमने तोड़ा 8x + 6 8x। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले, जिसको आगे पीछे लिखने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 8x + 6x ये आगे हमने, और ये 48 उसी तरीके से आ गया। तो इसको हमने तोड़ के इस तरीके से लिख लिया 8 + 6। वैसे तो 7 7 भी हो सकता है, लेकिन ये जो है, जहाँ इसके अंदर 7 है ही नहीं, इसलिए वो सिंपली तरीका नहीं है जैसा कि पहले था कि हमने इसको तोड़ के दो ऐसे कर लिए। एक्चुअली हमने इस मेथड के जरिए ही करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बने और ऐड करें तो ये बने। नेक्स्ट आ गया, अब हम इनके फैक्टर पेयर बना लेंगे। जहाँ से पेयर बना लें, इसका पेयर इसके साथ बना लिया, इसका पेयर इसके साथ बना लिया। नेक्स्ट आ गया, इक्वल साइन लिखेंगे। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स है, तो जहाँ से एक्स कॉमन निकला है, जो छोटी पावर होगी वो कॉमन निकलेगी। तो जहाँ से एक्स बाहर निकला है ब्रैकेट, तो ये एक एक्स अंदर रह गया, प्लस यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा तो ये 8 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास x + 8 प्लस। अब यहाँ पे देखें, ये 6x है, 48 है, तो 6 जो है 48 पे डिवाइड हो जाता है, 6 × 8 = 48, तो इसलिए 6 जो है ये कॉमन ले लेंगे। अगर ये ना हो तो इसे कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो 6 जो है दोनों के अंदर डिवाइड हो रहा है,
इसलिए सिक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ से सिक्स बाहर निकल गया तो ये एक्स, और ये प्लस आ गया, और ये सिक्स एट सा 48, तो ये आ गया एट एक्स प्लस एट। अब यहाँ पे इसमें गौर करना है कि यहाँ पे जब भी हम इस तरीके से मेथड इस मेथड से हम ये काम करेंगे तो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आगे हमने इसको कॉमन लेना है। नेक्स्ट आ गया, अब ये हमारे पास एक टर्म ये बन गई है, एक टर्म ये बन गई है। जैसे हमने पहले दो दो टर्म्स का पेयर बनाया था, यहाँ पे हमने इन दोनों का पेयर बना लिया और यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे। अब ये देखिए एक्स प्लस एट इसके अंदर भी है, एक्स प्लस एट है इसके अंदर भी है, तो यही हमने कॉमन ले लिया, तो ये लिखा इक्वल साइन एक्स प्लस एट। यहाँ से एक्स प्लस एट कॉमन आया तो ये एक्स बच गया, तो ये हमने लिख दिया एक्स प्लस, यहाँ से एक्स प्लस एट बाहर निकल गया तो ये सिक्स बच गया अंदर इसके, तो ये लिख दिया हमने एक्स प्लस सिक्स। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ एक्स प्लस एट इंटू एक्स प्लस सिक्स, तो यही इसके दो फैक्टर हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। जहाँ हमें आंसर लिखे और ये लाइन लगाए इसको क्लोज कर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू, एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। सोल्यूशन लिखेंगे इसको एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे कि जहाँ ये वेरिएबल है इसके साथ कांस्टेंट कोई ना हो तो वहाँ पे वन होता है, इसको वन सपोज कर लेंगे, तो वन को हमने 108 से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिख लिया हमने वन इंटू 108, वन इंटू 108 इज इक्वल टू 108। अब यहाँ पे देखें सही आपको समझ आएगी कि ये प्लस साइन है, ये साइन प्लस है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसके फैक्टर होंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर देखेंगे, जो भी इसके फैक्टर होंगे वो या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, और ये हमें बता रहा है कि दोनों माइनस होंगे, दोनों सेम भी होंगे माइनस होंगे। यहां से ये पता चलता है कि या दोनों माइनस होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, और ये जो हमें साइन बताता है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं। अब यहां पे देखें 2 × 54 अगर करें, ये पहला फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे लेकिन हम इसको अंदाजन दो तीन करेंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो सारे फैक्टर यहाँ पे लिखने जरूरी है, और ये रफ अमल है, ये वहां पे लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप अगर आपको ऐसा करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ये लाइन लगा के जहाँ पे आपने एक साइड पे करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसको एक साइड पे करें और जहाँ पे आप लिख के इसके फैक्टर बना लें। अगर तो आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो फिर आप दो तीन फैक्टर लिखें, फौरन उस पर आप काम करें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको जहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा और तीन चार फैक्टर लिख के देखना पड़ेगा कि कौन सा सही फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इसको टू से अगर डिवाइड करते हैं तो ये टू से डिवाइड करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, 2 × 54 108। इसी तरह अगर हम इसके बाद फोर लेते हैं, 4 × 27, फोर को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 108 बन जाएगा, और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाता है, यानी 12 × 9 जो है ये भी 108 बनता है। अगर यहाँ तीनों से मसला हल ना हो तो आप मजीद फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि 12 9 = 108, और अगर इन दोनों का हम ऐड करेंगे 12 + 9 जो है 21 बनता है। ये माइनस है तो इसको माइनस रखेंगे, यहाँ पे हम ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 12 + 9 जो है दोनों -21 बन जाएगा। इसलिए ये जो है हम ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे 12 × −12 × −9, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वेयर -12, और ये साथ में ये देखिए एक्स साथ आ रहा है, और एक्स स्क्वेयर जब हम इसको ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 108 लिखा, लेकिन ये साथ में एक्स भी है, एक्स स्क्वेयर के इसको भी हम दो हिस्से करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ गया, साथ में
एक्स का एक एक्स इसके साथ आ गया, एक इसके साथ आ गया, 9 के माइनस 9, ठीक है। तो ये तभी ये 21x बनेगा ना, 12 प्लस 9 21, साथ में एक्स, ये एक्स भी साथ में लिखना है। तो ये इसी का हमने फैक्टर बनाया, एक एक्स जो है इसके साथ पहले के साथ आ जाएगा, एक दूसरे के साथ आ जाएगा, और ये आ गया प्लस 108। नेक्स्ट आ जाएगा, अब हम इनके पेयर बना लेंगे, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, यानी इसका पेयर ये बन गया और इसका इसके साथ पेयर बन गया। अब हमने पेयर बनाने का मकसद यही है कि हमें इसमें से कोई कॉमन ले सके, तो ये आ गया इक्वल साइन। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इसके अंदर है, एक एक्स इसके अंदर है, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स इंटू यहाँ से एक एक्स बाहर निकल गया तो अंदर एक एक्स बच गया, माइनस यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो 12 बच गया, तो ये आ गया एक्स माइनस 12। माइनस यहाँ से देखें 9x है और ये 108 है, जैसा कि हमें पता है 9 इसका फैक्टर है, तो इसलिए 9 है इसमें कॉमन ले लेंगे, 9 इसको डिवाइड कर रहा है, 108 को कर लेता है, इसलिए हम अगर नहीं करेगा तो हम इसमें 3 लेंगे, लेकिन जो कि 9 इसको फैक्टर है तो इसलिए हम इसको 9 को ही बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जहाँ से 9 बाहर निकल गया तो ये आ गया एक्स, ब्रैकेट डालेंगे एक्स माइनस। अब यहाँ से जब ये हमेशा ख्याल रखें कि जो जहाँ पे साइन है वही कॉमन निकलेगा, अगर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस, लेकिन अगर माइनस लेंगे तो अंदर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस लेंगे तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन जो है चेंज हो। अब यहाँ माइनस बाहर आ गया तो ये अंदर वाला साइन माइनस हो गया, जब इसको ओपन करेंगे दोबारा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 को इसे डिवाइड किया तो ये 12 आ गया, 9 12 सात 108। और ये ख्याल रखें कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आंसर होना चाहिए, सेम फैक्टर होने चाहिए, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस, ये प्लस माइनस बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, अगर किसी जगह पे गलती से लिखा जाए तो इसको चेक करें, क्योंकि अगर ये प्लस होगा कोई इसमें और माइनस होगा तो फिर ये कॉमन नहीं निकल सकेंगे, सेम होंगे तो कॉमन निकलेंगे। अब हमारे पास एक टर्म ये है, एक ये टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, अब इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, दोनों दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये आ गया यहाँ पे x माइनस 12 इसके अंदर भी है, x माइनस 12 इसके अंदर भी है, तो यही हम कॉमन लेंगे, लिखा इक्वल साइन, x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया। ये चूंकि दो चीज़ें होती हैं, दो यानी इसके इसके अंदर साइन आता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर ब्रैकेट होना ज़रूरी है, अगर एक ही होगा, जैसे ये हमने 9 अकेला लिया ब्रैकेट बगैर ब्रैकेट के लेते हैं, यहाँ पे एक्स भी हमने बगैर ब्रैकेट के लिखा, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो चीज़ें हैं इसलिए हमने ब्रैकेट यूज करिए, इसलिए हमने इसकी ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, अगर ये सिंगल होगा तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरे का पूरा बाहर निकला, हमने कॉमन लिया एक्स माइनस 12, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाली। अब यहाँ पे एक्स माइनस 12 बाहर निकल गया तो ये आ गया एक्स, ये एक्स यहाँ पे आ गया, आगे आ गया ये माइनस, माइनस आ गया। अब यहाँ से एक्स माइनस 12 बाहर निकल गया, कॉमन निकलेगा तो पीछे क्या बच गया, 9, तो ये आ गया 9। तो अब आ गया इस तरीके से हमारे पास एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 9, ये दो इसके एक्स माइनस 9, ये दो इसके फैक्टर आ गए, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इसको लाइन लगाएं और इसको क्लोज कर दें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।